नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे का सिटी सेंटर रीवा। मेरे साथ देखिए दिन भर रीवा में क्या घटा, क्या कुछ हुआ। स्ट्रेचर की समस्या से जूझ रहा है रीवा का संजय गांधी अस्पताल। वहीं दूसरी ओर स्ट्रेचर का इस्तेमाल बैलगाड़ी की तरह मरीज की जगह संजय गांधी में सामान ढोने के लिए किया जा रहा है। यह हाल है प्रदेश के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक रीवा के संजय गांधी का। रीवा के इंजीनियरिंग कॉलेज स्थित स्टेट बैंक ब्रांच में चोरों का धावा। चोर 3 कंप्यूटर ले गए, लाकर तोड़ने के प्रयास में रहे नाकाम। चोरी का सीसीटीवी फुटेज हुआ वायरल। विश्वविद्यालय थाना की पुलिस झूठी जांच में। मोबाइल न होने की वजह से 108 नहीं बुला सके। अपने मरीज को ठिलिया में लेकर इलाज के लिए पहुंचे रीवा के संजय गांधी अस्पताल। रीवा शहर के वार्ड नंबर 1 निकनिया से दवा की मरीज है बैठा। नवविवाहिता ने फांसी लगाकर मौत को गले लगाया। चौराटा थाना अंतर्गत मौचट का है मामला। ससुराल पक्ष का कहना फांसी लगाई। माए के पक्ष के लोग चाहते हैं पुलिस दमन से कड़ाई से पूछताछ करके सच्चाई का पता लगाए। अस्पताल में दोनों पक्षों के लोग मौजूद। इलाज कराकर बेटे के साथ लौट रहे पिता पुत्र की मोटरसाइकिल आवारा मवेशी से टकराई। इलाज के दौरान रीवा के संजय गांधी अस्पताल में वृद्ध की हुई मौत। 86 साल के वृद्ध बसीगढ़ा थाना शाहपुर के रहने वाले थे। 17 साल का मासूम मोटरसाइकिल से अपने घर वापस लौट रहा था। घर के पास ही सड़क पर पड़ी गिट्टी बालू की वजह से मोटरसाइकिल फिसली। इलाज के दौरान रीवा के संजय गांधी अस्पताल में मासूम की हुई मौत। मासूम सिंहपुर सतना का रहने वाला। दिन भर की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।